गुड डे टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप जानते हैं कि वीक का पहला दिन हम कुछ नया सीखते हैं और उसके अगले दिन यानी कि दूसरे क्लास में आप सब उस टूल का अभ्यास करते हैं, क्योंकि बिना अभ्यास के आप सभी उस टूल के बारे में सब कुछ भूल जाते हैं जो आप सभी सीखा होता है। अब आप सभी एमएस पेंट की फाइल को ओपन करें। क्या आप सभी अपनी पेंट की फाइल को ओपन कर लेंगे? अगर नहीं तो सामने दिए गए वीडियो को देखकर एमएस पेंट की फाइल को ओपन करें। आइए वीडियो को देखकर अब सीखते हैं कि पेंट की फाइल को ओपन कैसे करते हैं। आपको अपने पॉइंटर को स्टार्ट बटन पर लेके आना है। आप अपने पॉइंटर को टच पैड या माउस के द्वारा स्टार्ट बटन पर लेकर आएं और फिर यहाँ पे लेफ्ट बटन को क्लिक करें, जिससे कि एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस बॉक्स के अंदर आपको ऑल प्रोग्राम लिखे हुए ऑप्शन पे अपने पॉइंटर को लाना है और फिर यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद इस बॉक्स के अंदर आपको एसोसरीज लिखे हुए ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस बॉक्स के अंदर आपको पेंट लिखे हुए ऑप्शन को ढूंढना है और वहाँ पर अपने पॉइंटर को ले जाकर लेफ्ट बटन क्लिक कर देना है, जिससे कि आपकी पेंट की फाइल ओपन हो जाएगी। आज की कक्षा में आप सभी जो बनाएंगे वह कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले आप सब एक ट्रायंगल बनाएंगे, उसके बाद आप अगले चित्र में एक ट्रायंगल के ऊपर बहुत से ट्रायंगल बनाएंगे और सबसे लास्ट में आप सभी एक ही पिक्चर में नदी, आकाश, पहाड़ बनाकर उनमें कलर भरेंगे। सामने दिए गए चित्र को देखें और बताएं कि क्या आप सभी इस चित्र को बना सकते हैं या नहीं। इस चित्र को बनाने के लिए सबसे पहले लाइन टूल को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद कलर पैलेट में से कलर को सेलेक्ट करेंगे और फिर इस चित्र को बनाएंगे। सभी अपने कर्सर को कलर पैलेट में ले जाएं और कलर को सेलेक्ट करें, फिर उसके बाद लाइन टूल को सेलेक्ट करें, उसके बाद अपने कर्सर को शीट पर लेकर आएं और ऐसी एक लाइन को खींचें, फिर उसके बाद दूसरी लाइन ऐसे, फिर अब तीसरी लाइन को ऐसे ड्रैग करें, जिससे कि यह आपका चित्र बन जाएगा। इस चित्र को मिटाने के लिए आप कंट्रोल ए डिलीट का प्रयोग करें। अगला चित्र जिसमें बहुत सारे ट्रायंगल दिए गए हैं, इन ट्रायंगल को देखकर आप सभी को बनाना है। अपने कर्सर को कलर पैलेट में लेकर जाएं और कलर को सेलेक्ट करें, फिर उसके बाद ऐसे एक लाइन को ड्रैग करें, उसके बाद दूसरी लाइन को ऐसे ड्रैग करें, फिर तीसरी लाइन ऐसे, जिससे कि पहला ट्रायंगल आपका बन जाएगा। उसके बाद दूसरा कलर सेलेक्ट करें और कर्सर को शीट पर लेकर आकर ऐसा एक लाइन खींचें, फिर यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ लाइन, उसके बाद फिर ऐसे एक लाइन, फिर कोई और कलर सेलेक्ट करें, उसके बाद ऐसे एक लाइन छोटा है, फिर ऐसे इधर की तरफ लाइन को लेकर आए यहाँ तक, उसके बाद अब यहाँ से ऐसे, जिससे कि यह तीसरी ट्रायंगल आपकी कंप्लीट हो जाएगी।
फिर कलर को सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ से ऐसे एक लाइन को ड्रैग करें। फिर यहाँ से ऐसे फिर ये तीसरी लाइन, जिससे कि चौथी ट्रायंगल बन जाएगी आपकी। कलर को चेंज करें, यहाँ पे ऐसे लाइन को खींचे, फिर दूसरी लाइन ऐसे, उसके बाद यहाँ से ऐसे, ये आपकी पांचवी ट्रायंगल बन जाएगी। कलर को चेंज करें, ऐसे एक लाइन को ड्रैग करें, जैसे तीसरी लाइन, जिससे कि यह सिक्स ट्रायंगल बन जाएगी। कलर को चेंज करें, अब यहाँ पे एक और लाइन खींचें, उसके बाद ऐसे फिर इधर की तरफ लाइन को लेकर जाएं, फिर तीसरी लाइन, इसको ऐसे मिलाएं, कलर को चेंज करें, ऐसे एक लाइन को खींचे, फिर यहां से ऐसे, उसके बाद यहां से इस लाइन को मिलाएं। इस तरह से आपकी यह पिक्चर बन जाएगी। इस चित्र को मिटाने के लिए आप कंट्रोल ए डिलीट का प्रयोग करें। सामने दिए गए चित्र को देखें और बताएं कि क्या यह चित्र आप सभी बना सकते हैं या नहीं। इस चित्र को बनाने के लिए सबसे पहले लाइन टूल को सेलेक्ट करेंगे और फिर कलर को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप सब एक एक करके इन चित्र को बनाएंगे। इस चित्र में आप सब देख रहे होंगे कि माउंटेन, फ्लैग, रिवर और बोट है। इन सब को हम एक ही चित्र में बनाएंगे। सभी लाइन टूल को सेलेक्ट करें, कलर पैलेट में जाकर कलर को सेलेक्ट करें, उसके बाद अपने कर्सर को शीट पर लेकर आएं और फिर ऐसे एक लाइन को ड्रैग करें, फिर दूसरी लाइन ऐसे ड्रैग करें, फिर अब यहां से ऊपर की तरफ लाइन को लेकर जाएं, फिर ऐसे, उसके बाद फिर ऊपर की तरफ, फिर यहां से ऐसे नीचे की तरफ लाइन को लेकर आए, फिर ऊपर की तरफ लाइन को लेकर जाएं, फिर ऐसे नीचे की तरफ, फिर ऊपर की तरफ ऐसे, यहां से ऐसे नीचे की तरफ, अब फिर यहां से ऊपर, फिर ऐसे नीचे की तरफ। कलर को चेंज करें, ऐसे यहां से
लाइन को खींचे ऐसे यहाँ तक, फिर उसके बाद इरेजर टूल को सेलेक्ट करें, यहां से इसको मिटा दें। फिर अब यहाँ से इसे मिटा दें, लाइन टूल को सेलेक्ट करें, कलर को चेंज करें, यहाँ से एक ऐसी सीधी लाइन यहाँ तक ड्रैग करें, फिर ऐसे दूसरी लाइन यहां से, फिर तीसरी लाइन ऐसे, उसके बाद कर्सर को यहाँ पर लेकर आए, फिर ऐसे लाइन को ड्रैग करें, फिर ऐसे दूसरी लाइन को ड्रैग करें, फिर ये तीसरी लाइन ऐसे यहाँ तक, उसके बाद इरेजर टूल को फिर सेलेक्ट करें और ये बीच की लाइन जो आपकी रह गई है इसे डिलीट करें। फिर से लाइन टूल को सेलेक्ट करें, कलर को चेंज करें, अब अपने कर्सर को सीट पर लेकर आएं, फिर यहाँ से ऐसे एक लाइन को ड्रैग करें, उसके बाद ऐसे सीधा दूसरी लाइन, फिर ऐसे ऊपर की तरफ लाइन को लेकर जाएं, फिर यहाँ से ऐसे लाइन को ड्रैग करें, उसके बाद यहाँ से बीच में से सीधी एक लाइन को ड्रैग करें, फिर ऐसे एक लाइन, उसके बाद ऐसे दूसरी लाइन, अब यहां से ऐसे एक और लाइन को ड्रैग करें, फिर यहां से ऐसे उसके बाद ये तीसरी लाइन को ड्रैग करें, कलर को चेंज करें, और बीच में ऐसे लाइन को ड्रैग करें इस बोर्ड के अंदर, फिर ये दूसरी लाइन को ड्रैग करें,
फिर ऐसे तीसरी लाइन, ये ऐसे चौथी लाइन, इस तरह से ये आपका बोट बन जाएगा। कलर को चेंज करें। अब यहाँ पे कर्सर को लेकर आए, फिर ऐसे एक लाइन को ड्रैग करें, फिर ऐसे, उसके बाद ऐसे थोड़ा सा ऊपर की तरफ, फिर ऐसे लाइन को खींचे, फिर ऐसे एक लाइन को ड्रैग करें, फिर यहाँ से ऐसे, उसके बाद कलर को चेंज करें, फिर यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऊपर की तरफ ऐसे लाइन को लेकर जाएं, फिर ऐसे एक और लाइन को ड्रैग करें, फिर ऐसे ऊपर की तरफ, अब यहाँ से ऐसे नीचे की तरफ थोड़ा सा, फिर ऐसे, फिर उसके बाद ये लाइन ऐसे, फिर कलर को चेंज करें, इसके बीच में ऐसे लाइन को ड्रैग करें, फिर ऐसे, फिर उसके बाद ऐसे लाइन ड्रैग करें, फिर यहाँ से ऐसे नीचे की तरफ, ऐसे अब दूसरी तरफ, फिर ऐसे, उसके बाद ऐसे तीसरी लाइन। कलर को चेंज करें, कर्सर को यहाँ पर लेकर आए, उसके बाद ऐसे एक सीधी लाइन को ड्रैग करें, फिर ऐसे नीचे की तरफ, उसके बाद यहाँ से ऐसे सीधी एक लाइन को लेकर जाएं, फिर ऐसे नीचे की तरफ लाइन को लेकर आए, फिर कलर चेंज करें, यहाँ पे एक लाइन को ऐसे ड्रैग करें, फिर ऐसे सीधी लाइन को लेकर जाएं,
फिर यहाँ से ऐसे एक और लाइन को ड्रैग करें, फिर अब यहाँ से सीधी एक लाइन ऐसे ड्रैग करें, उसके बाद कलर को चेंज करें और यहाँ से एक सीधी लाइन को ड्रैग करें, कलर को चेंज करें, फिर यहाँ पे एक लाइन को ड्रैग करें, फिर ऐसे एक सीधी लाइन को ड्रैग करें, उसके बाद यहाँ से नीचे की तरफ लाइन को लेकर आए, उसके बाद फिर यहाँ पे कर्सर को लेकर आए, एक और ऐसे लाइन को ड्रैग करें, फिर यहाँ से ऐसे सीधी लाइन को खींचे, उसके बाद ऐसे नीचे की तरफ लाइन को लेकर आए, कलर को चेंज करें, एक और लाइन को ड्रैग करें, फिर अब यहाँ से दूसरी लाइन को ड्रैग करें, कोशिश करें कि लाइन सीधी हो, फिर अब ये नीचे की तरफ लाइन को लेकर जाएं, कलर को चेंज करें, यहाँ पे ये बीच में लाइन गैप हो गया था इसलिए इस लाइन को दोबारा से अगर हो सकता है तो मिला लें, आज की कक्षा यहीं पे समाप्त होती है। सभी अपनी अपनी फाइल को क्लोज करेंगे और नोटबुक को शट डाउन करें। सभी अपने अपने नोटबुक को सही तरीके से शट डाउन करें। कोई भी नोटबुक को डायरेक्टली यानी कि पावर बटन से शट डाउन करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ऐसा करने से आपका नोटबुक खराब हो सकता है। आइए अब सीखते हैं कि हम कंप्यूटर को शटडाउन कैसे करते हैं। आप सभी अपने पॉइंटर को स्टार्ट बटन पर लेकर आएं, उसके बाद इस स्टार्ट बटन पर अपने टचपैड या माउस के लेफ्ट बटन को एक बार क्लिक करें। जैसे ही आप लेफ्ट बटन को क्लिक करेंगे, एक बॉक्स ओपन होगा। अब इस बॉक्स के अंदर आपको शटडाउन लिखे हुए ऑप्शन को ढूंढना है और वहां पे अपने पॉइंटर को लेकर जाना है। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, इस शटडाउन ऑप्शन पे पॉइंटर रखने के बाद अपने टचपैड या माउस का लेफ्ट बटन क्लिक कर देना है।
जिससे कि आपका कंप्यूटर शटडाउन हो जाएगा। आज की कक्षा में आप सबने लाइन टूल की मदद से इन चित्रों को बनाना सीखा। यह चित्र ट्रायंगल यानी त्रिभुज, उसके बाद एक ही चित्र में बोट, रिवर, फ्लैग और ट्री बनाना सीखा।